आज हम नवम कक्षाया और दशम कक्षाया जो व्याकरण विधि है, जो व्याकरण है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है समास परिचय, ये नवम अध्याय है। सम सरणम इति समासा, सम सरणम इति समासा, इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। किसी भी बात को संक्षेप में कहना समास कहलाता है, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय, बोधचा आदि को हटाकर एक पद बनाना। जैसे दिया उदाहरण गायने कुशला, ठीक है, तो गायन कुशला। इसी तरह राज्ञा पुरुषा तो राजपुरुषा। पदों में विभक्ति लो सीता च रामस्य, सीता रामौ में समुच्चय बोधक च का क्या हो गया, लोक हुआ। इसी प्रकार विद्या एवं धन यस्य सः, यानी विद्या धना, पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला राजपुरुषा सीता रामौ तथा विद्या धन पद बनाए गए। कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है ना, जैसे हे चरा, युधिष्ठिरा, वनेचरा आदि। ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं और पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, चार। पहला अव्यविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, और तत्पुरुष के दो भेद भी हैं, कर्मधारय एवं द्वि। इस प्रकार समान रूप से समास के कितने भेद हो गए, छह भेद हो गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अव्यविभाव, इस समास में पहला पद क्या है, अव्यव होने के साथ ही प्रधान भी होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यव बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण दिया है यथाशक्ति, शक्ति अनातिक्रम्य, शक्ति के अनुसार या शक्ति के अनुसार इसमें दिया हुआ, ठीक है। फिर दूसरा आता है यहाँ दिया है विभिन्नम, यानी विभिन्न नाम उपगंगम, गंगा या समीप, गंगा के समीप, अनुरूपम, रूपस्य योगनम, प्रत्येकम, एकम एकम इति, प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम इति, फिर निर्माक्षिकम, निर्माक्षिकाणाम अभावः, फिर उपनदम, नद्या समीपम, प्रत्यक्षम, अक्षणों प्रति, फिर परोक्षम, यहाँ भी आया अक्षणों पर। इस प्रकार ये जो शब्द दिए हैं ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर। फिर दिया है दूसरा तत्पुरुष समास। इस समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है, कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है, द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे एक उदाहरण, जैसे शरणम आगतम, तो क्या आएगा, शरणागतम, फिर शरणम प्राप्त, तो शरण प्राप्त है द्वितीय तत्पुरुष में चल रहा, शुभम प्राप्त है तो ये आएगा सुखा प्राप्त। फिर है सर्पेण दष्टम, तो सर्प दष्ट, शरीर शरीर विद्या, तो शर विद्या, ठीक है। फिर अग्निना दग्धा, तो अग्निना अग्नि दग्धा, द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत चलते। फिर है दानाय पात्रम, दान पात्रम, युपाय दारू, युप दारू चतुर्थ तत्पुरुष, स्नानार्थम, इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। रोगात मुक्त, यहाँ दिया है रोग मुक्त, अश्वात पतित, अश्वपतित पंचमी तत्पुरुष समास है, नारायणाम पति नरपति षष्ठी तत्पुरुष, देवस्य पूजा देव पूजा, कार्य कुशला कार्य कुशला, कार्य कुशला तो आ जाएगा कार्य कुशला, शास्त्र प्रवीणा शास्त्र प्रवीणा, है ना। फिर ना सुखम असुखम, ठीक, फिर ना आदि अनादि, ये है तत्पुरुष समास। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है तत्पुरुष समास के दो और भी भेद, एक समान अधिकरण तत्पुरुष अर्थात, और दूसरा है समान आधारकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास।
और कर्मधारय समास। ठीक, इसके दोनों पदों में विभक्ति क्या होती है? समान होती है। इसके तीन स्वरूप होते हैं। पहला, कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है, कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है। दूसरा, कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। और तीसरा है कि कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे दिया है नीलम उत्पलम, यानी नीलोत्पलम। देखिए कि कभी कभी इस प्रकार कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है, और कभी कभी दोनों पद क्या होते हैं? विशेषण। उदाहरण समझिए, जैसे नीला उत्पलम, तो यहाँ पर क्या शब्द बना? नीलोत्पलम, यानी नीला कमल। ठीक है, विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष, अलग अलग इसमें, तो क्या बना? विशाल वृक्ष, बड़ा वृक्ष। मधुरम फलम, मधुर मन मीठा फल मानता, तो मधुर फलम, मधुरम फलम, यहाँ क्या है? मधुर फलम। ज्येष्ठ पुत्र, क्या आया यहाँ पर? ज्येष्ठ पुत्र। इस प्रकार से यहाँ पर ये शब्द बने। आप देखिए यहाँ पर दिया है घन एवं श्यामा। ठीक है, तो घन एवं श्यामा का क्या आया? घन एवं श्यामा, यानी घन श्यामा, यानी घन का बादल के समान काल। ठीक है ना, ये बन। फिर कमलम एवं मुखम, तो कमल मुखम। फिर चंद्र एवं मुखम, तो चंद्र मुखम। यहाँ उपमान रूप में, यहाँ कर्मधारय समास, नर नर सिंह एव, तो यहाँ पे पूरा देखिए अलग दिया है। यहाँ पे यहाँ क्या बना? नर सिंह, नर सिंह एव। आप शीतम च उष्णम, यहाँ क्या बना? शीतोष्णम। रक्तस्य पीतः, रक्त पीतः। ठीक है, फिर आदौ सुप्तः पश्चादु अपश्चादु थ्यः सुप्तोत्थितः। ठीक है, उभय पद विशेषण। इस प्रकार से यहाँ दिया है आदौ सुप्तौ पश्चादु थ्यः। ठीक है, थिथा, तो इस प्रकार से शब्द बना। अब आता है द्विगु समास। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास कैसे कहते हैं? जिसमें संख्यावाचक शब्द होते। संख्यावाचक यानी नवरात्रम, पंचरात्रम, पंचवटी, सप्तऋषि, है ना, नौ दुर् नवरात्रि, इस प्रकार से जिनमें शब्द, मतलब जिन प्रथम जो शब्द है वह कैसा होता? संख्यावाचक। तो इसमें दिया द्विगु समास। यह समास समांतर समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायेण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और समस्त पद समांतर नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ठीक है, आप इसमें दिया हुआ है, जैसे उदाहरण समझिए, सप्तनाम दिनानाम समाहन, तो यहाँ पर क्या आएगा? सप्त दिनम। देखो ये बोला ना, सप्तानाम, पंचानाम, त्रयाणाम, ये शब्द संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं। इनकी कौन सी संज्ञा होती है? द्विगु संज्ञा होती है। तो जो जिसमें संख्यावाचक शब्द होते हैं उनको द्विगु समास कहते हैं। आप परीक्षा में भी ध्यान रखिएगा, पंचनाम पत्राणाम समाहारम। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा? पंच पात्रम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारम, त्रिभुवनम। ठीक है, कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग यही भी हो जाता है। जैसे उदाहरण समझिए, त्रयाणाम लोकानाम समाहारम, यानी क्या बन गया? त्रिलोकी। क्या बना यहाँ पर? त्रिलोकी। पंचानाम बटानाम समाहारम, यहाँ क्या बन गया? पंचवटी, यानी पांच बटों का समूह। ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है? द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद समास होता है। जिन पदों में समान पद होते हैं ना, दोनों पदों की प्रधानता समान होती है, तो उनको क्या कहते हैं? द्वंद समास। इनके विग्रह में चा का प्रयोग होता है। किसका? चा का। जैसे उदाहरण समझे, लवश कुशस्थ, यानी यहाँ शब्द क्या बन? लव कुशम। ठीक, यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी प्रधानता किसकी है? कुश की भी है। द्वंद्व समास के दो रूप माने गए हैं, पहला इतरेतर द्वंद्व और दूसरा आता समाहार द्वंद। इतरेतर द्वंद जो होता है, जिस समस्त पदों में दोनों पदों का अर्थ क्या हो? अलग अलग होता है, उसे इतरेतर द्वंद कहते हैं। और समस्त पद में
के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परिवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। जैसे उदाहरण समझिए, पार्वती च परमेश्वरश्च, तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्वती परमेश्वर, ठीक। फिर है रामश कृष्णश्च, तो राम कृष्ण, ठीक है। अब आता है समाहार वर्ग, जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वहां पर द्वंद समास, समाहार द्वंद समास होता है। उदाहरण जैसे आहाराश निद्रा च भयम्, आहाराश निद्रा च भयम् चति एतरा एतेषां समाहारः, आहार निद्रा निद्रा भयम्, पाणि च पादौ च, यानी पाणि पदम्, ठीक है। इस प्रकार से अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। विग्रह करते समय इसमें किसका प्रयोग होगा, यस्य सार्थ आदि लगाया जाता है। अब आता है उदाहरण, जैसे महांतौ बाहु यस्य सार्थ, यानी महाबाहु विष्णु भगवान के लिए, दश आननानी यस्य सार्थ, दशानना किसको कहते हैं, रावणा के लिए, पीतम अम्रम यस्य सार्थ, पीतांबर कृष्ण के लिए, ठीक है। फिर चतुरी मुखानी यस्य सार्थ, चतुर्मुखा यानी ब्रह्मा जी के लिए। इस प्रकार से बहुव्रीहि समास कहते हैं जिसमें यस्य सार्थ का प्रयोग होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख के दिया है, उदाहरण मनुसूत्र रिक्त स्थानाना पूर्ति प्रकोष्ठा समुचित समस्त पदे भरना, ठीक है। आप इसमें देखिए दिया है, जैसे तऊ लव कुशौ वाल्मीकि आश्रमे पठतम, यानी लव कुशे या लव कुशौ दिया है यहाँ पर। अब सबसे पहले इसमें आता है, जैसे ये आपका यहाँ से शुरू है, यहाँ पर शुरुआत है कि खालिस्तान जना नित्य कर्म विद्या प्रातः आशा करोति विशाल वृक्ष आएगा सुप्तो खिता, तो यहाँ पर आएगा सुप्तो खिता। यहाँ देखिए ये यहाँ आंसर दिए हैं। दूसरा तया नाम लोका नाम समाहारा इति कथित, अभी हमने आपको इसमें समझाया था, उसमें क्या आएगा, त्रिलोकी, क्या आएगा, त्रिलोकी। फिर है विषय आसन खाली स्थान अस्थि, है ना, तो क्या आएगा इसमें, प्रति ग्रहम या उपगंगम, तो उपगंगम जो ऋषि का आश्रम था ना उसके गंगा के समीप। फिर तब खाली स्थान मलिनम अस्थि पाणी पादम या पाणी पादम, तो क्या आएगा, पाणी पादम। फिर है खालिस्तान सैनिक रणयुक्त जाता स्वर्गपतिता या अष्टपतिता, क्या किस पे जाते हैं, तो इसमें आएगा अष्टपतिता। फिर है खालिस्तान जीवन सुदेशा संति धर्म का अर्थ का मोक्षम या धर्मार्थ का मोक्ष, क्या आएगा, धर्मार्थ का मोक्ष, ठीक है। इस प्रकार से इसको कंप्लीट भरना है। दूसरा है कि अधोलिख लिखित वाक्य स्थूल पदानि आश्रित समस्त पदम विग्रह विग्रहम वा लिखत, तो यथा जैसे दिया है, तो भिक्षु का प्रत्येक ग्रहम गच्छति, ठीक है ना, देखिए इसका क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, समस्त पद विग्रह वा लिखत, ठीक है, स्थूल पद जो जो दिए हैं, जैसे प्रत्येक का दिया इसमें, तो भिक्षु का प्रत्येक ग्रहम गच्छति एकम एकम इति। आप सबसे पहले दिया है शरणम आगतः तू सदैव रक्षणीय, तो क्या आएगा यहाँ पर, शरणम आगतः क्या आएगा, शरणागतः, ठीक। दूसरा विद्याहीन छात्र न शुभति, विद्याहीन छात्र न शुभति, तो क्या आएगा यहाँ, विद्याहीन एक शब्द यह ना उसमें लिखना है आपको। असत्यम तू त्याज्यम भवति, क्या ना सत्यम। फिर है रामा महाराज आसी, क्या आएगा यहाँ पर, महान चासव राजा। सीता चा राम च वनम आगच्छताम, क्या आएगा यहाँ पर, सीता राम, ठीक। तड़ागः नीलोत्पलये सुशोभिते नीलम च तत् उत्पलम तैः, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बनना है। फिर है देखिए उदाहरणानि पठित्वा तदनुसार विग्रहं समास नामानी च लिखत, धारण जैसे यो दिया है पाणि च पादो च तेषां समाते, इसमें एक शब्द आया पाणि पादम यानी समाहार गम, ठीक। इस प्रकार से ये ब्राह्मणों सुख दुखाराम शिरोवीव राम लक्ष्मण भरतः आजव बालिका शास्त्र प्रविया नरसिंह प्रत्यक्षम या दशानम, ये दिए हैं आप, इनको सही इनके समास को आपको लिखना है। इसमें क्या आएगा,
देखिए जिसमें देखिए आपका इसमें ब्राह्मी चा ब्राह्मणस है एक शिक्षक है, सुखम चा दुखम चा समाहार द्वंद है, तीसरा है शिरह चा विवर चा समाहार द्वंद है, जो अभी मैंने आपको समझाया रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च इतरेतर द्वंद है, फिर अजा चा अजा अजा चा अजह चा एक शिक्षण है, फिर है बालकश्य या बालकश्य बालकश्य एक शिक्षण है, फिर है शास्त्री प्रवीण यानी सत्वी पुरुष है, नरसिंह एव उपमान उपमेय कर्मधारण। इस प्रकार ये दिए हुए जैसे ब्राह्मणी चा ब्राह्मणश तो एक शिक्षण, फिर है दूसरा सुखम चा दुखम चा ये समाहार द्वंद है, इन्हें भी आपको पढ़ाते हैं जो पढ़ाया है उसी के अंतर्गत है, शिरह चा ग्रीवा चा ये समाहार द्वंद है, फिर है रामश लक्ष्मणश भरश इतरेतर द्वंद है, फिर है अजा चा अजा चा अजह च यानी एक शेषण ठीक है, फिर है बालकश 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 एक शेषण है, शास्त्री प्रवीणा ये सत्यवी तत्पुरुष है, नरसिंह एव ये भी मैंने आपको समझाया उपमान उपमेय कर्मधारय, अक्षरों प्रति ये अव्यवी भाव, और दशा आननानी यस सा ये कौन सा समास बताया था, दस है आनन माने मुख है जिसके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। चलिए हम इसके बाद अधोलिखित वाक्य सु समस्त पदम चित्वा तस्य विग्रह है ना, ये समस्त जो पद दिए हैं जैसे दिया है यहाँ पर विष्णु पीताम्रम धारयति, विग्रह क्या आएगा पीताम्रम देखिए दिया है यहाँ पर पीताम्रम ठीक है, भवता कार्यम निर्विघ्नम समापिये तो क्या आएगा निर्विघ्नानाम अभाव, फिर है दुर्गा सप्तशती पठितव्या तो क्या आएगा यहाँ पर शक्तानाम शतानाम समाहार, फिर दिया शर विद्धा हंस भूमि पतिता तो शरेण विद्धा वृद्धा पुत्र पात्रम दृष्ट्वा प्रसीदति पुत्रस्य पौत्रस्य, क्योंकि संक्षिप्त में है ना विष्णु चक्रपाणी कथ्यति चक्रम पाणौ यस्य सः ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समास विग्रह और समास पद और समास की परिभाषा और जितने प्रकार के मैंने समास आपको बताया इनके प्रकारों को समझाया, तो आपको इनके जितने भी उदाहरण दिए हैं जो शब्द दिए हैं सबको बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए तैयार करना है और कॉपियों में लिखते जाना है और याद भी करना है। धन्यवाद।